तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा ही था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और आज भी कांग्रेस यही कह रही है, कांग्रेस आज भी कह रही है। यानी श्री राहुल गांधी का बयान आपने पढ़ा होगा, उन्होंने कहा गरीबी एक झटके में हटा देंगे। अरे 65 वर्षों तक देश ने शासन किए तब तो कुछ किए नहीं, और आज एक झटके में कैसे हटा देंगे। एक पत्रकार ने जब उनसे प्रश्न किया तो इन्होंने कहा कि एक झटके में हटा देंगे, कहा इसके लिए क्या करेंगे। उसने कहा हर नागरिक की संपत्ति का सर्वे करवाएंगे और फिर उसमें वरासत टैक्स लगा देंगे। वरासत टैक्स का मतलब आप जानते हैं ना, आपके बाप दादों ने जो संपत्ति बनाई है उस संपत्ति में से आधा हिस्सा कांग्रेस और सपा के गुंडे जबरदस्ती ले लेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या स्वीकार करेंगे? अरे खून पसीना आपके पूर्वजों का और उसको हड़पने का काम ये कांग्रेसी लोग करेंगे, क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? क्या कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।